दोस्तों यहाँ पे लगा है दहेज, इधर लगे हैं भाई 5 भगोने और मारी वगैरह है, बक्सा है, ये सब इंतजाम है, इधर बेड है। तो दोस्तों देखो, खाने के लिए हाथ धुलना पड़ता है तो उसके लिए साबुन भाई यहाँ पर बंधा है, और ये है भाई हाथ धोने वाला बेसिन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों भी सुबह का बज चुका है 9:30 और हमको जाना है शादी में, और तो उधर कार्ड भी बांटना है। तो फिलहाल अभी जो है ना चल रहे हैं थोड़ा बाल कटवाने के लिए, थोड़ा बाल चेक करवाएंगे, और उसके बाद में जो है ना इधर इधर कारीगर लोग भी भागे हैं काम लगाने के लिए। आज रूटर वगैरह सब लिया है वहाँ, तो आज जो है ना पल्ले तैयार जो हुए थे उसमें वीडिंग वगैरह सब बनाएंगे ये लोग। तो अभी चल रहे हैं भाई हम, भाई पहले अपनी सेटिंग करवा लें उसके बाद जो है निकलेंगे 11 बजे। तो अभी 9:30 बजे, अभी तो खैर बहुत टाइम है, तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई सुबह सुबह किक से ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं अपनी, ये इसी से। तो सुबह सुबह भाई अपनी गाड़ी हम किक से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ से नहीं स्टार्ट करते। तो चलते हैं भाई कटिंग की दुकान पे और करवाते हैं कटिंग बालों की। दोस्तों अभी आ चुके हैं भाई सैलून में बाल कटवाने के लिए, और बाल भाई सही है, थोड़ा ही सेट करवाएंगे, और जा रहे हैं गांव की शादी में। तो ये कलीम भाई की दुकान है, पहले मेरे घर के पड़ोस में थी, अभी थोड़ा इधर इनके मोहल्ले में आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस में ही है बिल्कुल एकदम। तो यहाँ गाँव की सैलून देखो ऐसी है भाई, गाँव क्या हमारे सीतापुर में ऐसा ही है भाई। और VIP अगर सैलून चाहिए तो VIP सैलून भी है भाई, तो उसके लिए थोड़ी दूर पे जाना पड़ेगा, आर्य नगर है ये ऐसे है। तो कलीम भाई देखो इधर पीछे आ गए हैं बाल कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी रेडी हो चुके हैं बाल बाल कटवा के, नहा धो के मस्त, और अभी चले भाई। और इधर देखो इनको हेलमेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, तो हमने जो है इनको हेलमेट लगवा दिया है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं ज़रा इसमें कैमरे में बताइए, ज़रा खोलो इसको। हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। हाँ ठीक है, तो इनको हमने लगवा दिया हेलमेट, हम ऐसे ही जाएंगे। आप लोग दोस्तों बताएं कमेंट में कैसे लग रहे हैं ये छोटे से राइडर, कैसा लग रहा है इधर का है बताओ जल्दी। अच्छा लग रहा है, तो चलो दोस्तों अभी निकलते हैं भाई, और टाइम भी हो चुका है अभी 11 बजने वाला है, 5 मिनट बचे हैं 11 बजने में, और हमको 12 बजे तक पहुँचना भी है। तो अभी भाई आ चुके हैं यहाँ क्रॉसिंग पे, और भाई फटका बंद पड़ा है, तो भाई इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, इधर से आएगी या तो फिर इधर से आएगी। फिलहाल ये आगे जो है ना स्टेशन है इधर टप्पा खजूरिया, तो यही स्टेशन है आगे, देखो इंजन दिख रहा भी होगा शायद, आगे खड़ा है। गांव का भाई ऐसे ही देखो होता है फटका स्टेशन सब अलहमद। देखो ट्रेन आ रही इधर से, ये आगे हाल्ट है ना यहीं पे रुकने की, यहाँ आगे हाल्ट है इसी मारे यहाँ पे स्लो निकल रही है। यहाँ पे कार्ड वगैरह बांटना था हमको, हमने बांट दिया था कार्ड, और उसके बाद में जहाँ शादी में आना था, तो अभी भाई पहुँच चुके हैं और टाइम नहीं मिला तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए रास्ते का। तो फिलहाल भाई अभी आ चुके हैं शादी में, और यह है भाई घर, ये वाला इसी में शादी थी, और उधर भाई दहेज लगा है कुछ। चलो दिखाते हैं दहेज यहाँ पे गांव की शादियों में कैसा होता है, तो सामने ही लगा है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लगा है दहेज, इधर लगे हैं भाई 5 भगोने और मारी वगैरह है, बक्सा है, ये सब इंतज़ाम है, इधर बेड है, तो ऐसा कुछ है भाई इंतज़ाम। और इधर है फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, देखते हैं चल के क्या है, उधर से दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ तो दोस्तों ये है वॉशिंग मशीन और ये है कूलर, बाकी फ्रिज उधर सैमसंग का लगा हुआ है। तो ऐसा है कुछ दोस्तों बस दहेज गांव में। तो अभी भाई घर से थोड़ी दूर पे भाई यहाँ पे है खाने का इंतज़ाम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुला मैदान था इसीलिए यहाँ पर जो है
खाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है और बारात भी जो है आ चुकी है। गाड़ी उधर देखो सजी खड़ी हुई, तो बारात भी आ चुकी है और ये बच्चे हैं हमारे साथ में, जरनैन हैं, अलहमद हैं। चलो हमने कहा चलो खाना खा लो चल के, क्योंकि जहाँ पास घर था वहाँ पे जो है जगह नहीं थी ना, गली थी, इसलिए जो है खाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है पूरा। इधर देखो इधर सब तालाब है, इधर हमको लग रहा मछली पली है ये तालाब में। खाना भाई चालू है, खाना देखो भाई सब चालू हो गया है। तो दोस्तों देखो खाने के लिए हाथ धुलना पड़ता है, तो उसके लिए साबुन भाई यहाँ पर बंधा है और ये है भाई हाथ धोने वाला बेसिन। चलो बैठो चल के। इधर बराती आए हैं तो उनका नाश्ता लगा हुआ है यहाँ पर, ये सब बरातियों का नाश्ता है यहाँ पर। उधर सब बराती बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं करीबन दो दिन के बाद में, क्योंकि भाई शादी से आने के बाद में और भाई कोई काम था नहीं, भाई घर के काम करवा रहे थे अपना, वही पल्ला और पेंट वगैरह जो था। और आज भी भाई निकले हैं फिर से और जो है कार्ड बांटने के लिए। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपनी खाला के वहाँ। तो ये है देखो इधर, ये है शारदा नदी पूरी और उसके पुल पे भाई खड़े हैं। तो ये पूरी शारदा नहर है, नहर इसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का भाई। पानी जो है ना, पानी जो है बहुत कम है अभी, उतना पानी नहीं, और आगे वहाँ पे भाई सूखा भी पड़ा है। और ये इधर का कुछ नज़ारा है। और आज भाई हमने गाड़ी भी चेंज कर दी, आज जो है तीन लोग हैं तो ये गाड़ी लेके आए हैं सुपर स्प्लेंडर, ये भी बिल्कुल नई है, आज अपनी वाली दे दी, वो भी घर का लड़का है। तो आज ये गाड़ी लेके आए हैं सुपर स्प्लेंडर। तो चलते हैं दोस्तों अपने यहाँ खाला के वहाँ और कार्ड वार्ड दे के उसके बाद में और भी बहुत जगह जाना है। तो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करते भाई निकलते हैं, और धूप भी बहुत तेज हो गई और अभी बजा है 8:40 और भाई हम सुबह निकले थे करीबन 7:15। तो अभी दोस्तों आ चुके हैं यहाँ गांव में अपने खाला के यहाँ। तो ये है कुछ हमारी खाला का घर, इधर भाई गाड़ी खड़ी है, यही है हमारी खाला का घर। चलो थोड़ा अंदर से दिखाते हैं, थोड़ा बना बना है इनका, पहले तो भाई ख़राब था, अभी तो बनवा लिया है थोड़ा इधर सब। तो सबसे पहले भाई इधर दरवाजे से आने के बाद में इधर है भाई बाथरूम, जो कि भाई पहले नहीं बना था, अभी ये नया बना है इधर। बढ़िया टाइल्स वगैरह बढ़िया लगवाए हैं तस्लीम ने। इधर है थोड़ा सा बैठने का हाल ये कुछ, और यहाँ सामने लगेगा उधर एसी, उधर पॉइंट है ये वाला। और यहाँ पे भाई थोड़ा सामान वगैरह रखा है, पार्ले जी बिस्कुट हैं ये सब रखा है, क्योंकि भाई परचून की दुकान है मैं खालू की। तो ऐसा है कुछ घर। और पीछे चल रहे हैं अभी, पीछे भी थोड़ा जो है पेड़ वगैरह लगे हैं, खेत हैं। और ऊपर देखो यहाँ कद्दू के पेड़ लगा है पूरा, इधर ही से सीधा हो जाते बाहर। तो ये भी मेरे खालू की ही ज़मीन है पूरी, यहाँ से वो जो जहाँ तक के वो लकड़ी का वो लगा है टट्टर वहाँ तक के, तो ये पूरा खालू का खानदान है समझ लो। तो इधर पेड़ वगैरह लगे हैं, यहाँ से देखो कद्दू का पेड़ यहाँ से चढ़ा है, इधर से जड़ उसकी ये है यहाँ से, और बहुत बड़ा है यहाँ, जड़ थोड़ी छोटी लग रही है, पेड़ भाई बहुत बड़ा है, इतनी सी जड़ पे ये पूरा है ये वाला। इधर लगा है नींबू का पेड़, इधर अमरूद का पेड़ लगा है। अब भाई बड़ा यहाँ सुकून लग रहा है, बड़ा सन्नाटा सन्नाटा अच्छा लग रहा है। और इधर सब टोटल खेती है, सब ये सब खेती है इधर। और इसमें भी हमको लग रहा है क्या कुछ बोया है, ये दोस्तों लहसुन बोया है ये वाला जो है ना, ये लहसुन बोया पड़ा है। तो इसका जो है ये हमने क्या बोलते हैं ये तो किया, तो लहसुन किया रही, यानी कि लहसुन ही है फिर। तो ऐसा है कुछ। और भाई ये है शरीफे का पेड़, और भाई शरीफे भी लगे हैं ये देखो इधर लगे हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसको बताना, ये लगे शरीफे। नीचे तो कहीं नहीं दिख रहे, ऊपर ही दो दिखे हैं। तो ऐसा है भाई कुछ। और ये इधर है, इधर सागौन का पेड़ है ये वाला,
और ये कदम का पेड़ है। तो ये है भाई घर के पीछे का एरिया, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और भाई गांव में रहन सहन ऐसा ही होता है, लेकिन गांव के देखते हुए यहाँ पे घर जो है ना, अब गांव जो है ना गांव नहीं रहेगा भाई, सबके घर अच्छे बनते हैं। जिसके पास भी पैसा है या नहीं है तब भी रहने के लिए पहले जैसा अब नहीं रहा, अब तो अच्छा ही रहता है सब जगह। तो यहीं से एंट्री फिर से करते हैं भाई। बनवाया तो भाई बढ़िया, इधर किचन है और इधर देखो लाइट वाले वो लगाए हैं, ये जो है जलने वाले, यहाँ से शायद ये जलता है, ये देखो ऐसा है कुछ भाई। और ये है भाई कमरा बंद पड़ा है, इसमें जो है बाद में जब शादी होगी खाला के लड़के की तो यही कमरा उसको मिलेगा। और अभी बन ही रहा है भाई, क्योंकि टाइल्स वगैरह सब रखे हैं इधर, ये सब टाइल्स वगैरह रखे हैं, सब लगेंगे क्योंकि काम चल ही रहा है अभी सब बराबर। और इधर मार्बल भी लगा हुआ है, सब काम चल रहा है, पूरा घर अभी मेंटेन हो रहा है। तो दोस्तों अभी खाला के वहाँ से आ गए हैं भाई इधर अपने ददिहाल में, और यहाँ पर लगा है भाई अमरख का पेड़। देखो कितने बड़े बड़े लगे हैं अमरख। कुर्सी लाओ उस पर रख के थोड़े। अब इसको अपने हाथ से तोड़ेंगे, देखो ये भाई आ रहा है। अरे आ जाओ भाई, ये देखो भाई ताजा ताजा पेड़ से तोड़ते हुए।